Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Thank you, thank you. भाई सारा मुझे खिलाती जाओगी, शुगर हो जाएगी बंदे खुदा को। अरे इतना सा खाने से शुगर नहीं होती, ये ले। अरे भैया तो आपके कहने की बात है ना, और आप सारा मुझे क्यों खिलाए जा रही हैं? आप अपना भी तो मुंह मीठा करें। आपको पता है कि हम मीठा नहीं खाते हैं। बेटे की बात पक्की हुई है, उस पे वाजिब होता है मीठा खाना। अच्छा चले आप हमारा मुँह मीठा करें। चले ये ली। आप खुश? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा सुनिए, इंतजाम का क्या किया आपने? इंतजाम की क्यों फिक्र करें, बल्कि आप ऐसे करें कि नरगिस से जाके उसकी पसंद और नापसंद मालूम कर लें, ताकि बच्ची के लिए अब जो कपड़े बनने हैं वो ऐसे बने कि वो दो चार दिन पहने तो सही ना। आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम माँ हैं, हमें फिक्र तो लगी रहती है ना। अरे भाई आप अगर माँ हैं तो मैं भी तो लड़के का बाप हूँ, थोड़ी बहुत फिक्र तो है मुझे, लेकिन हो जाएगा काम। चलें ठीक है, और दूँ आपको? अरे नहीं बस। अच्छा चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो अलमास, ये गौहर मियाँ की शादी की तारीख तय हो गई। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। हम इसलिए यहाँ पे आए तबस्सुम के तुम हमारे साथ चलना। वो किस सिलसिले में? वो के हम चाह रहे थे कि आज बाकायदा मिठाई लेके जाए अम्मा के घर। अरे अलमास इस खर्चे की क्या जरूरत थी? खर्चे की क्या बात है, जब आपका दिल खुश हो और पता ही नहीं चलता कि हम क्या खर्च करें। और वैसे यकीन करो हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। वो तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं, वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कि तुम कितनी खुश हो। ठीक है फिर, तैयार है ना, हम आएंगे तुम्हें लेने। ठीक है। हाँ यार जुबैर, यार थोड़ा सा वेट कर ले, साथ ही चलते हैं। अरे हाँ यार प्लीज, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आ यार बिल्डिंग के नीचे आ जा यार। ओके अब भाई। ओके भाई। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मैं भाई जा रहा हूँ जुबैर से मिलने। भाई मेरा एक काम कर देंगे? यार अब कौन सा काम तुम्हारा बाकी रह गया है? मुझे तो ये लगता है शादी वाले दिन भी ना तुम अपने कोई ना कोई काम निकाल के ले आओगी। एक तो आपसे ना कोई भी काम कह दो आपके बहाने नहीं खत्म होते। अच्छा मैंने पहले कभी मना किया जो तुम इस तरह बोल रही हो? छोड़े ना इन बातों को, आप ये बताएं कि मेरा काम करेंगे या नहीं। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? इस तरह तो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला। अरे पापा धमकी नहीं दे रही हूँ बल्कि प्यार से कह रही हूँ। बहुत अच्छा प्यार है तुम्हारा। आखिर आप मेरे क्यूट से प्यारे से भाई जो हैं। मक्खन लगाने में तो तुमने मास्टर की डिग्री ली हुई है। ये बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? भाई मुझे पार्लर जाना है। तुमने तो ब्यूटी पार्लर में अपनी डेट पहले से बुक करवा रखी है, और जहां तक मुझे याद है आज तुम्हारा शादी का दिन तो नहीं है। और तुम क्या करवाने जा रही हो ब्यूटी पार्लर? भाई मेरी जो पार्लर वाली थी ना उसने मुझे कहा था कि फर्स्ट डे ही आना। ये अच्छी मुसीबत है यार, जुबैर मेरा वेट कर रहा है वहाँ। तो उसे कॉल करके मना कर दें, बाद में चले जाएगा। एक तो यार कसम खुदा की। हाँ जुबैर। हाँ यार वो मैं नहीं आ पाऊंगा यार, थोड़ा सा घर पर काम है। ठीक है चलो ओके बाय। सॉरी यार। हाँ क्या मुसीबत है यार, उनके काम ही खत्म नहीं होते। सलून से आ गई तुम? मैं आ गई मॉम, देखिए आपको लग नहीं रहा? अरे भाई लग रहा है इसीलिए तो पूछ रही हूँ। आपको मेरा हेयर कट कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत आला। अच्छा तो तुम हो ही बहुत प्यारी। आप भी बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ खुर्रम तुम्हें छोड़कर कहाँ चला गया? भाई उन्हें अपने किसी फ्रेंड के पास जाना था। एक तो इस लड़के के पैर भी ना घर में टिक ही नहीं रहे। मॉम बस कुछ दिनों की बात
फिर आप ये कहेंगी कि ये लड़का तो हर वक्त घर में टिका रहता है, बाहर जाता ही नहीं। ये भी तुम ठीक कह रही हो। अरे हाँ निकत, अम्मा की तबीयत फिर खराब हो गई। क्या हुआ दादी जान को? दादी जान का बीपी शूट हो गया। तो उन्हें मेडिसिन लेनी चाहिए थी ना? अरे भाई, ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बावजूद उनका बीपी शूट कर गया। सारी सी बात है, तीन तीन शादियों की टेंशन जो उन्होंने अपने सर पे ले ली। हाँ यही बात। मॉम हमें उन्हें डॉक्टर के लेके जाना चाहिए। हाँ वकार अम्मा को हॉस्पिटल ले गया था। क्या दादी जान अभी हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, अब तो घर आ गई। मॉम अगर दादी जान हॉस्पिटल में थी आप लोग मुझे तो इन्फॉर्म करते ना। अरे बेटा ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना, अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि हमारे तो खुद हाथ पैर फूल गए। अब तुम्हें कहाँ बताते हम। वैसे हैरत की बात, दादी जान की इतनी तबीयत खराब हो गई और आयशा ने मुझे कॉल करके भी नहीं इन्फॉर्म किया। अरे बेटा हो सकता है वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती हो। मॉम इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं भी उसी घर की फर्द हूँ ना, वो मेरी दादी है। वैसे वो अब घर आ गई, मैं मिलने जाऊं दादी जान से। रहने दो, कल माइयां जब बैठोगी ना तब मिल लेना अम्मा से। तो मॉम मैं तो माइयों घर पे ही बैठूंगी ना। अम्मा कह रही है कि तीनों को एक ही जगह माइयों बिठाएंगे, यानी कि अम्मा के घर पर, तो मिल लेना। अरे जुबैर को क्या हो गया यार, अभी तक नीचे नहीं उतरा, कॉल करता हूं उसको। हेलो जुबैर। अरे यार कब से नीचे खड़ा हूं यार, आ जा नीचे यार, चलना भी है वहां पर यार। चल मैं वेट कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, जल्दी आ, बाय। हमेशा लेट करवाता है यार ये। टाइम भी अच्छा खासा हो गया यार। से कॉल कर रही हूँ, पता नहीं मोबाइल क्यों ऑफ जा रहा है इसका। खुर्रम मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? I'm sorry mom, मेरी मोबाइल की बैटरी डेड हुई थी। बहुत ही लापरवाह, कल इस घर में शादी है और तुम घर से ही लापता हो। मॉम मैं निगत को बता कर गया था। हाँ हाँ निगत ने मुझे बता दिया था कि तुम उसको छोड़कर चले गए थे। वो कौन है तुम्हारा दोस्त? जुबैर। हाँ हाँ जुबैर, लेकिन जुबैर के पास तुमने इतना टाइम लगा दिया। मॉम उससे बातें करने में पता ही नहीं चला टाइम का, और हम यहाँ परेशान होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मॉम अब तो मैं आ गया हूँ ना। अच्छा खुर्रम सुनो, कल एक बात का बहुत ख्याल रखना। क्या मॉम? देखो बेटा दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो रस्म के दौरान ना कोई मजाक नहीं करना। क्या हुआ दादी को मॉम? अम्मा का ब्लड प्रेशर बार बार हाई हो रहा है, हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। मॉम अगर दादी जान की इतनी तबीयत खराब थी तो आप मुझे बुला लेती, मैं कौन सा शहर से दूर चला गया था। मैं मिल के आता हूँ अभी दादी जान से। अब तुम कल ही मिल लेना भाई, मैं तुमसे जो बात कह रही हूँ ना कि ख्याल रखना, उस चीज का ख्याल जरूर रखना। अच्छा मॉम ठीक है, आप परेशान मत हो। देखो बेटा तुम अब आराम करो, कल तुम्हें बहुत सारे काम करने, और मैं ये निगत को भी देखूं क्या कर रही है। मोबाइल तो चार्ज पे लगा दूं। निगत जी मॉम, तुमने अपने माइयों के कपड़े प्रेस कर लिए? वो तो मैंने कर लिए, बस खुर्रम भाई के कपड़े रह गए। ये खुर्रम कहाँ चला गया? देखो दिन ऐसे ही निकल जाएगा, शाम को वहां पहुंचना भी है।
मॉम आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे हमें कहीं मीलों दूर जाना है। अरे भाई मीलों दूर की बात नहीं है, वक्त बहुत कम है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जाके खुर्रम भाई को देखें, मेरी तरफ से आप टेंशन ना लें। अच्छा मैं देखती हूँ खुर्रम को। हाँ मॉम अभी मैंने आयशा से बात की थी। आयशा से बात की थी, खैरियत तो है? वो दादी जान की खैरियत मालूम करने के लिए। हाँ तो कैसी तबीयत है अम्मा जान की? आयशा कह रही थी कि वो सो रही है, अभी उठी नहीं है। अच्छा चलो मैं खुर्रम को फोन करती हूँ, ये कहाँ रह गया? खुर्रम, 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 उठो भाई। सॉरी मॉम मेरी आंख लग गई थी। ये बताएं दादी जान की तबीयत कैसी है? अभी निगत की बात हुई है आयशा से, दादी अभी सो रही है। चले हम दादी की तबीयत पूछ के आते हैं। बेटा तुम अपने कपड़े वगैरह रेडी करो, मैं खुद देख कर आती हूँ दादी को। तो मॉम मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। बेटा मैं जा रही हूँ ना, और वैसे भी अगर दादी की ज्यादा तबीयत खराब होती ना तो वहां से कॉल नहीं आ जाती। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा मॉम ये बताएं क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारा माइयों? सिर्फ मेरा ही नहीं मॉम, सबका है। हाँ हाँ एक ही बात है, तुम ऐसा करो अपने कपड़े निकट को दे दो, वो आयरन कर देगी। अच्छा ठीक है मॉम मैं देता हूँ। ये तो बताए आप कह रही थी कि शाकर आंटी पिंडी से आ रही, वो कब आएंगे? अरे हाँ बेटा उनका भी फोन आया था, साबिर अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई, अब शाकरा नहीं आ पाएगी शादी में। अरे मॉम वो हमेशा से ऐसे ही करती हैं। देखो बेटा जब किसी के बारे में मालूम ना हो ना तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मॉम। अच्छा तुम उठो चाय वगैरह पियो। ठीक है मॉम। अच्छा मैं अम्मा को देख कर आती हूँ। अच्छा मॉम वो दादी जान को मेरी तरफ से पूछ लीजिए। हाँ हाँ जरूर पूछ लूंगी, चाहो तुम उठो चाय पियो। भाई मैंने ना आपके कपड़े प्रेस कर दिए। थैंक यू वेरी मच। यार दादी की तबीयत भी आज ठीक नहीं है और आज इवेंट भी है घर पर। मेरा तो ख्याल है कि दादी जान की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी है। हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। वैसे दादी जान को चाहिए था कि घर में इतना बड़ा इवेंट ना रहे, सब अपने अपने घर मायों बैठ जाते, दैट्स ऑल, क्या प्रॉब्लम होती? यार वकार को कॉल करके एडवाइस कर दो कैसा कर ले। कोई जरूरत नहीं आपको वकार को फोन करने। क्यों भाई क्यों जरूरत नहीं है? अच्छा ये बताओ मेरे कपड़े कहाँ रखे तुमने? वो मैंने आपकी कबर्ड में हैंग कर दिए। अच्छा चलो ठीक है मैं रूम में जा रहा हूँ, मॉम जब आए तो उनको बता देना। जी बता दो। समझ ही नहीं आ रहा दादी जान की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है। पता नहीं मॉम। ओके अच्छा मॉम आ गई, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। निगत अम्मा की तबीयत तो फिर से खराब हो गई। तो मॉम उन्हें हॉस्पिटल से वापस क्यों लेकर आए? कुछ दिन वहीं रहने देना चाहिए था। अरे भाई ठीक हो गई थी इसलिए ले आए थे, अब किसी को क्या पता था कि दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर को घर में बुलवाया? अरे हाँ भाई डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा है कि अब इनका बीपी शूट होना तो इनको फौरन हॉस्पिटल लेकर आना। तो फिर ऐसे करते हैं कि आज का प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने भी यही कहा था। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा कि सारे इवेंट वैसे होंगे जैसे होने थे। मॉम फिर तो इस तरह मजा भी नहीं आएगा। हाँ मैंने कहा था कि आज का प्रोग्राम इतना अहम नहीं है। दादी जान भी ना बहुत जिद्दी है, कभी भी नहीं मानेंगी। सही कह रही हो, जिस बात पे अम्मा अड़ जाए ना उससे पीछे नहीं हटती। वैसे दादी जान की आदत सब जानते हैं। निकट एक बात बताओ, तुम्हारे डैडी भी ना बहुत जिद्दी थे, बिल्कुल अम्मा की तरह। जाहिर सी बात है मॉम, माँ का असर तो बेटे में आता है ना। सही कह रही हो तुम। अच्छा बेटे मेरे तो बहुत सर में दर्द हो रहा है, मैं जाके थोड़ा आराम करूँ।
अच्छा चाय बना कर लिया? अभी बना के लाती हूँ। अरे मो, आप कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, निगत के पास बैठी हुई थी। मो, मैं निगत को कह के गया था कि जब मोम आए तो मुझे बुलवा ले। खैर, ये बताएं दादी जान की तबीयत कैसी है? अभी तो बेटा वैसी ही है। क्या मतलब मोम, वो ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। मोम, अगर दादी जान की तबीयत ठीक नहीं है तो प्रोग्राम हम कैंसिल कर देते हैं। अम्मा की ख्वाहिश है कि कोई भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया जाए। तो ठीक है मोम, मैं दादी जान से खुद जाके बात करता हूँ। खुर्रम, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मोम हमारे घर की बड़ी हैं, हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें उनसे मिलने से मना नहीं कर रही। मोम, मना करना नहीं है तो फिर क्या है? बेटा तुम्हें तो पता है शाम में उनके घर जा रहे हैं ना हम लोग। मोम, अगर खुदा ना खास्ता दादी जान को शाम से पहले कुछ हो गया तो? क्या हो गया खुर्रम, अल्लाह रहम करे, अच्छा गुमान रखो। मोम, दादी जान की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें ये हल्लड़बाजी करना ठीक लगेगा क्या? नहीं नहीं, अब सब काम सादगी से ही होगा। अम्मा की इतनी तबीयत खराब है तो सब सादगी से ही होगा ना। सही कह रही मोम, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अरे खुर्रम, देर हो रही है, तुम तैयार हो जाओ। मैं निगत को भी बोलती हूँ वो भी तैयार हो जाए। मोम, एक बात भूल रही हैं। वो क्या? आप खुद तैयार नहीं होंगे क्या? मेरा ख्याल है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और मेरे ख्याल से आप अपना ख्याल रखना भूल गई हैं। मुझे तो तुम दोनों की खुशियां अजीज हैं। अच्छा मोम, एक काम करें, आप तैयार हो जाएं, मैं भी अपनी तैयारी कर लेता हूँ। चलो ठीक है, देखो देर हो रही है, जल्दी तैयार हो। डोंट वरी मोम, ना मोबाइल देखूं कहाँ है, वहां पर आऊं।